प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक बार दाऊद राजा ने इसराइल लोगों की गिनती करने का गुनाह कर दिया, पाप कर दिया। परमेश्वर खफा हो गए। परमेश्वर ने तीन बात उसके सामने रखी, एक अकाल की, एक मरे की और लड़ाई की। ऐसी तीन बातें दाऊद के सामने रखी, तो दाऊद ने तीन में से किसी को पसंद नहीं किया। लेकिन दाऊद ने ऐसा बोला कि हम तो परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं। तो इब्रानी में तो ऐसा लिखा है उसका 10:31 कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो भयानक बात है। और देखो हारून याजक जो थे उनके दो बेटे परमेश्वर के हाथों में पड़े और आग से जलकर मर गए थे। तो ये सारी बातें तो ऐसा कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो तो भयानक सी बात है, हम परमेश्वर के हाथों में कैसे पड़ सकते हैं। लेकिन दाऊद ने क्यों ऐसा माना और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर के हाथों में मुझे पड़ना है, क्या उनको डर नहीं लगा? इसके पीछे क्या कारण है और परमेश्वर इस वचन से हमको क्या कहना चाहते हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा शमूएल उसका 24:10-14 वचन तक। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गात नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको तीन विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। सोगात ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूँ। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको दिल में उतारेंगे, याद रखेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस बने। बहुत जल्द प्रभु यीशु जो है आने वाले हैं, उनके समझ लो कि पैरों की आहट सुनाई देने लगी है। अंतिम वक्त वो बहुत वक्त पहले से शुरू हो चुका है और हम अंतिम युग के भी अंतिम वक्त में हम पहुंच चुके हैं और प्रभु यीशु जो है वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। और जिस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, उस दिन को बाइबल में भयानक सा दिन कहा है, उस दिन को परमेश्वर ने अंधकार का दिन कहा है। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु उन बादलों के ऊपर जब अपने लोगों को वो लेने के लिए आने वाले, तो समझो कि उस वक्त हमारे परमेश्वर सिर्फ हमको लेने के लिए नहीं आने वाले, लेकिन साथ साथ में जो उनको नहीं मानते ऐसे लोगों का न्याय करने, उनको दंड देने के लिए भी प्रभु यीशु आने वाले। और जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले, तो वो यीशु नहीं आने वाले कि जो बरसों पहले या 2000 साल पहले जो इंसान बनकर आए थे, वो प्रभु यीशु नहीं हमको लेने के लिए आने वाले। वो प्रभु यीशु हमारी तरह एक इंसान बनकर आए थे, लेकिन अब जो यीशु हमको लेने के लिए आने वाले वो परमेश्वर है।
और उन्होंने अपने आप को शून्य किया था, अपने आप को खाली किया था और खाली होकर हमारे बीच में आए थे। लेकिन अभी पूरे सामर्थ्य के साथ वो हमारे बीच में आने वाले, अभी हमारे प्रभु यीशु वो अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठकर आने वाले। अभी वो यीशु नहीं कि जो पापों के कारण बलि हो गए, वो नहीं, लेकिन वो यीशु जो परमेश्वर है, जो हमारे जज है, जो हमारे न्यायाधीश है, वो हमको लेने के लिए आने वाले। और ऐसा 40 के बारे में ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर इतने महान है कि जो चुल्लू में समुद्र का सारा पानी ले लेते हैं, जो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं, जो अपनी गीत से इस आसमान को नापते हैं। तो हमारे परमेश्वर इतने महान है कि जो तराजू से अगर पहाड़ों को तोल सकते हैं, तो वो कितने महान होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अगर स्वर्ग में बैठे तो उनके पैर इस धरती तक पहुंच जाए। इतने बड़े महान परमेश्वर, और वो महान परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाले। जब वो बादलों पर आएंगे, तब हम उनको इस धरती से ऊपर आसमान में हम उनको आसानी से देख पाएंगे। अगर हमारे जैसे 5.5-6 फुट के अगर होते तो बादल में वो दिखाई भी नहीं देते हमको, इतने छोटे हो जाते। लेकिन बड़े परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, वो आने वाले हैं। और वो आने वाले हैं इसलिए ध्यान में रखना कि पूरी दुनिया उनको एक ही वक्त में देख पाएंगी। इतने महान परमेश्वर पूरे तेज के साथ, नरसिंह की आवाज़ के साथ, सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ वो आने वाले हैं। और वो आने वाले हैं उस दिन किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखो परमेश्वर आ रहे हैं। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखो यीशु आ रहे हैं। उस वक्त जितने भी लोग जो यीशु मसीह को जान चुके, नहीं जान चुके, उस दिन सभी लोग जान जाएंगे कि हाँ कौन आ रहा है और कैसे आ रहे हैं, सभी को पता चल जाएगा। और जितने लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, वो लोग भागने वाले। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6:15-17 वचन। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है, आप कौन ठहर सकता है। देखो सब लोग समझ गए कि अब जो मेमना बनकर आए थे वो नहीं है, अभी तो हमारे जज न्यायाधीश परमेश्वर आ रहे और पूरे सामर्थ्य के साथ आ रहे। सोचो वो नज़ारा कैसा होगा, पूरी धरती के ऊपर कैसी हलचल मच गई होगी, उसका अंदाजा लगाओ कैसे भगदड़ी मच गई होगी। जितने लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, समझते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार जितने लोगों ने जीवन जिया है, वो तो सारे खुश हो जाएंगे कि मेरा उद्धार आ गया, मेरे परमेश्वर आ गए, और वो तो भागेंगे उनकी तरफ। लेकिन जितने लोग नहीं जानते और परमेश्वर के विरोध में जिन लोगों ने काम किया था, वो उल्टा भागेंगे। और बाइबल में लिखा है कैसे भागेंगे, वो लोग पहाड़ों के पास चले जाएंगे और पहाड़ों को बोलेंगे कि हम पर गिर पड़, हमें कुचल दे, हमें मार दे। और वो जो सिंहासन के ऊपर जो परमेश्वर आ रहे, प्रभु यीशु आ रहे, उनसे बचा रहा, उनके हाथों से नहीं मरना। पहाड़ को बोलते कि पहाड़ तू हमारे ऊपर गिर जा। देखो परमेश्वर इतने महान है कि उनसे लोग डरते हैं। अगर वो दिखाई दे तो लोगों को डर लग जाता है। यशायाह भविष्यवक्ता ने जब परमेश्वर को आत्मा में देखा, उन्होंने तुरंत बोला मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ। जब यूहन्ना प्रभु यीशु के खास चेले, लेकिन प्रभु यीशु का उन्होंने स्वरूप देखा, आत्मा में जब उन्होंने प्रभु यीशु को देखा तो अधमरे से होकर गिर पड़े, वो अधमरे हो गए। तो परमेश्वर ऐसे है कि इनको देखकर लोग डर जाते हैं। ऐसे हमारे परमेश्वर एक बार मिलाप वाले तंबू के अंदर, जब नादाब और अबीहू वो लोग मिलाप वाले तंबू में थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ गलत काम किया। गलत काम किया मतलब कि जो आग परमेश्वर को नहीं देनी थी, ऐसी आग उन लोगों ने जलाई। और एक वचन पढ़ते हम लेवी का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 1 और 2 वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया
और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। देखो ये लोग कहाँ पर हैं, मिलाप वाले तंबू में। और मिलाप वाला तंबू मतलब समझो जो कपड़े का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ था और उसमें परमेश्वर की आग आई। लेकिन मिलाप वाले तंबू में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दो लोग जो थे जो जिनका अभिषेक किया हुआ था, जो परमेश्वर की सेवा के लिए जिनको चुना हुआ था, और उनके पिता जो मूसा के बड़े भाई थे हारून, उनके दो बेटे थे और उनके दो बेटे उन्हीं के सामने परमेश्वर की आग आकर उनको जला देती है। अगर पूरा आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा वहाँ पर मूसा हाजिर थे, वहाँ पर हारून भी हाजिर थे और मिलाप वाले तंबू में जो याजक होते थे वही प्रवेश कर पाते थे और कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। और याजक लोग जो होते थे उनको परमेश्वर की ओर से आज्ञा होती थी कि वो लोग किसी भी डेड बॉडी को छुए ना, उनको डेड बॉडी नहीं छूनी होती थी। अभी हारून और चाहे वो प्रधान याजक है लेकिन उनके सामने उनके दो बेटे वहीं पर मर गए, आग आई और दोनों जलकर मर गए। अभी देखो एक बाप होगा उसको दुख तो होगा, लेकिन अगर हारून दुखी होता है तो उसका मतलब क्या है कि आग किसने लगाई थी, परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने गलत किया। अगर हम किसी के काम से दुखी है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि काम गलत हुआ, मैं जिससे किया सही नहीं किया। तो मूसा हारून को तुरंत पकड़ कर बोलते हारून दुखी मत होना, याजक है तू, तेरे सर के ऊपर अभिषेक का तेल लगाया हुआ है, चाहे तेरे बेटे मर गए जो भी परमेश्वर गए ठीक किया। और फिर दूसरे लोगों को बुलाया और उन लोगों ने इनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला लेकिन इन लोगों ने छुआ नहीं, ना ही दुखी होना था इनको अपने सामने बेटे मर जाने के बाद भी, वो भी जवान बेटे मर जाए आग से मर जाए फिर भी इनको दुखी नहीं होना था। देखो परमेश्वर का भय कितना, परमेश्वर का डर कितना। अगर हारून अगर दुखी होते तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी दंड आता, लेकिन मूसा ने रोक लिया कि हारून दुखी मत होना, जो हुआ होने दे भाई। तो मूसा के भी तो भतीजे हैं, उनके भी तो बड़े भाई के बेटे, क्या उनको दुख नहीं होगा? लेकिन दुखी होना ही नहीं है, जो परमेश्वर ने किया वो परमेश्वर ने सही किया। परमेश्वर अपने विरोध वाली बात जो है वो थोड़ी भी वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं चलाने दूंगा या ऐसा करो कोई बात नहीं, वो कभी भी नहीं बोलते बड़ी चोरी मत करना थोड़ी चोरी चल जाएगी। हमारे परमेश्वर पवित्र है, वही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। अगर वो पवित्र ना होते हमारे जैसे होते तो हम सभी आसानी से स्वर्ग में चले जाते, लेकिन वो पवित्र है वही सबसे बड़ी समस्या है कि इसलिए उनको पवित्रता ही पसंद है। तो वो जैसे है वैसे ही हमको बनाना चाहते इसलिए तो उन्होंने अपना लहू बहाया। वो चाहते कि जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी सारे चाल चलन में पवित्र हो जाए। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, बहुत सारी आज्ञा दी, उसमें एक आज्ञा ये दी कि सब्बत का दिन सातवां दिन उस दिन कोई काम नहीं करना है। मूसा ने सभी को बता दिया कि देखो भाई सातवें दिन किसी को काम नहीं करना है। और सातवें दिन एक इंसान जो था वो लकड़े उठाने के लिए चला गया। अभी देखो खाना तो तैयार मिलता था, बनाना तो था नहीं, तो लकड़ी की जरूरत क्या थी, और वो भी सातवें दिन सब्बत के दिन विश्राम के दिन ये उठाने के लिए गया। और जब ये लकड़ी इकट्ठा कर रहा था किसने देख लिया, और देख लिया तो मूसा को आकर बताया। अब मूसा ने तो खुद आज्ञा दी कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला है कि अगर कोई ऐसा इंसान पकड़ा जाए उसको पत्थर मार मार कर मार दो। फिर भी मूसा वो परमेश्वर के पास जाते और परमेश्वर से पूछते परमेश्वर मैं क्या करूँ। तो एक वचन पढ़ते हैं जो है गिनती का पुस्तक इसका 15:32-36। जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बिनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बिनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थर वाह करे। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थर वाह किया और वह मर गया। क्या इसका पाप था, इसका गुना था क्या, बस लकड़े लेने के लिए चला गया।
विश्राम के दिन देखने जाओ तो हम ऐसा समझते कितनी छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, हाँ मारे तो बोले पत्थर छावनी के बाहर लेकर जाओ और पत्थर मार मार कर उसको ख़त्म ही कर दो, ऐसा परमेश्वर ने बोला। जब इसराइल लोग आगे बढ़कर विश्राम के देश में प्रवेश करने वाले थे तो यरीहो बड़ा शहर इनके सामने आ गया। अब यरीहो ऐसा बड़ा शहर था, उसके चारों ओर उसकी शहरपना इतनी बड़ी थी कि उस ज़माने की कोई भी टेक्नोलॉजी उसको नहीं गिरा सकती थी। अब यहोशू वहाँ पर रुक गए, उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर हम क्या करें, ये शहरपना तो हम गिरा नहीं सकते, लड़ेंगे कैसे, अंदर कैसे जाएंगे। तो परमेश्वर ने उनको कुछ बातें बताई कि हर रोज 6 दिन तक एक चक्कर लगाओ और शांति से बैठो, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और जोर से आवाज़ करना, और बोले कि वो जो शहर पहना है अपने आप गिर जाएगी। और साथ साथ में परमेश्वर ने कुछ और आज्ञा दी, 6 दिन तक इन लोगों ने एक चक्कर लगा कर बैठ गए, 7 दिन 7 चक्कर लगाए। और जैसे ही ये लोग चिल्लाने वाले थे, यहोशू ने सभी को रोक लिया और बोला कि देखो परमेश्वर ने एक आज्ञा और बताई, उसको ध्यान से समझ लो कि आज हम जो लड़ाई करेंगे जीतेंगे, और वहाँ से जो भी सोना चांदी लोहा पीतल कुछ भी मिले, कपड़ा मिले, वो सब कुछ परमेश्वर को दे देना है, वो सिर्फ परमेश्वर को ही समर्पित करना है, कोई अपने पास ना रखे। अभी हुआ क्या, वो शहर पना गिर भी गई, लोग गए भी वहाँ पर और जीत भी लिया उस शहर को, लेकिन आकान नाम का एक इंसान था, उसने देखा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। और जब उसने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा है तो उसने ऐसा आइडिया लगाया कि मुझे कुछ सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, कुछ कपड़े मिल रहे, तो उसने धीरे से उठा लिया और जाकर अपने तंबू में उसको दफन कर रख दिया, छुपा लिया इसने। अभी देखो ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर तो जानते थे। तो दूसरे दिन जब वो एक छोटे से शहर में ये लोग हमला करने के लिए गए तो वहाँ से मार खाकर भागे, तो यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े, यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो परमेश्वर ने बोला कि यहोशू इसराइल लोगों ने पाप किया है। तो बोले किसने पाप किया, तो बोले कल सुबह सभी लोगों को अपने गोत्र के हिसाब से इकट्ठा करना, फिर मैं गोत्र को ढूंढ निकालूंगा, फिर उसमें से एक खानदान को निकालूंगा, फिर उसमें से एक परिवार को निकालूंगा, फिर उसके इंसानों को निकालूंगा, फिर उसमें से जो होगा उसको मैं बाहर निकालूंगा और मैं बता दूंगा कि किसने ये काम किया। क्या परमेश्वर डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे आकान ने किया, लेकिन परमेश्वर एक मौका दे रहे, बचने का मौका है। अगर आकान खुद सामने आ जाता है कि हाँ परमेश्वर ये मैंने गलती की, तो हो सकता है उसको क्षमा हो जाए, लेकिन आकान आए ही नहीं। दूसरे दिन यहोशू ने सारा काम किया और आखिर में आकान जो है वो पकड़े गए। अभी इतनी लंबी कार्रवाई चली, सभी लोगों को इकट्ठा करना, उसमें से एक गोत्र को पसंद करना, एक खानदान को पसंद करना, ये लंबी कार्रवाई चली। अभी लोग कितने परेशान हुए, कौन होगा कौन होगा कौन होगा, और जो है वो छुपा हुआ है, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा है। और जब वो परमेश्वर के आगे परमेश्वर ने उसको जाहिर कर दिया, तब मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते एक वचन यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 25 और 26। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुझे को कष्ट देगा। तब सब इसराइलों ने उसको पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ को शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। देखो आकान को खत्म कर दिया गया। ये है हमारे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर वो जब क्रोध में आ जाते हैं तब परमेश्वर जो भी कारण से क्रोध में आए उस इंसान को सारे परिवार के साथ भी ख़त्म कर देते हैं। हमारे परमेश्वर वो भयानक से परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर वो जलन रखने वाले वो महान वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू अकेला काम नहीं कर सकता, तो बोले कुछ अगुए को ठहरा, और मूसा ने कुछ अगुए बनाए और कुछ अगुए बनाए, तो उन लोगों को घमंड आ गया, और घमंड आ गया तो सारे मूसा के विरोध में आकर खड़े हो गए और आकर मूसा को बोलने लगे, हे मूसा तू अकेला पवित्र है क्या, हम पवित्र नहीं, क्या परमेश्वर तेरे अकेले से बात करते, क्या हमसे बात नहीं करते, तू हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है, बोले हम सब एक समान है, तू तो हमारा अगुआ क्यों। अभी ये बात इन लोगों ने मिस्र से छूटने से पहले बोली होती तो बात ठीक है, तब इनको कौन जानता था, इनको कोई पहचानता नहीं था,
परमेश्वर ने तो मूसा को चुना था, परमेश्वर ने तो मूसा के जरिए लोगों को छुड़ाया था और इन लोगों को भी आगे मूसा ने ही पढ़ाया था। एक परमेश्वर का दास दूसरे लोगों को आगे पढ़ाता है, उनका अभिषेक करवाता है, उनको भी एक पोस्ट दिलाता है और तब वो वही उस परमेश्वर के दास के विरोध में हो जाए, कैसे होगा? और ये लोग ऐसा ही कर रहे थे, मूसा के विरोध में आकर खड़े हो गए। तो मूसा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा, गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 16 और 31 से 33 पढ़ो, 31, 32, 33। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। देखो ये सारे जिंदा थे और जिंदा ही नरक में चले गए। धरती ने अपना मुंह खोला और सभी को निगल लिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटना हो गई कि परमेश्वर के दास में विरोध में लोग आए तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। ये मूसा से ऐसा नहीं हो सकता, ये परमेश्वर ने किया। और आगे पढ़ो उसका 35। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जो 250 लोग बचे थे धूप चढ़ाने वाले, उनको आग ने खत्म कर दिया। जो कोरह आया था उसको, उसके परिवार के साथ में, उसके भेड़ बकरों के साथ में, उसको नरक में डाल दिया गया। और यहाँ पर ये और जो 250 लोग बचे थे उनको आग ने आकर उनको भस्म कर दिया। ये है हमारे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वो भयानक से परमेश्वर। जिन जिन लोगों ने आज तक परमेश्वर को आत्मा में भी देखा, वो लोग आत्मा में देखने के बाद भी डर गए। परमेश्वर ने बोला, मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारे परमेश्वर ऐसे एक महान परमेश्वर। अनन्या सफीरा को देखो, कुछ पैसे अपने पास रखे ना, तो परमेश्वर की आज्ञा थी कि कुछ पैसे अपने पास रखो ना रखो, कोई भी आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन शुरुआत की कलीसिया जो थी वो बहुत अच्छी थी। और शुरुआत की कलीसिया अपने अगुए के इतनी अधीनता में रहती थी कि उनके पास जो भी जमीन जायदाद जो भी होता बेच देते थे और सारे पैसे आकर पत्रस को दे देते थे। ये भी नहीं पूछते, पत्रस तुझे इतने पैसे की जरूरत क्या है? और पत्रस भी क्या करते थे, जिनको जितनी जरूरत वैसे बांट देते थे। वो भी किसी से पूछते नहीं थे, बस पवित्र आत्मा की अगुवाई में पत्रस काम करते थे। लेकिन ऐसी आज्ञा परमेश्वर की ओर से नहीं थी कि आप लोग ऐसा करो, सब कुछ बेच दो और पत्रस को आके दे दो। ये तो इनका प्रेम था। अभी सभी लोग करने लगे, सभी लोग करने लग गए तो अनन्या सफीरा आपस में बात करें, जमीन तो हमारे पास भी है। ऐसा होता ना, हम लोग 50-100 लोग जमा होते और अगर किसी ने बोल दिया, पास्टर साहब ने चलो बोल दिया, हमको चर्च बनाना, कौन कितना देगा? अभी एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, फिर क्या जो नहीं बोलता उसको शर्म सी महसूस होती कि अरे लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा तो मुझे भी कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो अनन्या सफीरा ने देखा, आज्ञा तो नहीं थी परमेश्वर, सभी लोग कर रहे। अगर किसी की निगाह हमारी ज़मीन पर पड़ गए तो, या तो किसी ने हमको पूछ लिया तो भाई साहब आप क्यों नहीं दे रहे, हमने तो दिया आपने नहीं दिया। सही में परमेश्वर को लोग पूछने वाले नहीं थे, डर इनको था। तो आपस में इन लोगों ने सहमति की और क्या बोला, हम लोग ज़मीन बेचते लेकिन कुछ पैसे अपने पास रखेंगे। तो ये पाप नहीं था अगर बता देते, लेकिन इन लोगों ने झूठ बोला। पैसे रख कर ऐसा बोला कि हमने सारे पैसे दे दिए। पत्रस ने बोला, आपने मुझे नहीं, आपने पवित्र आत्मा को झूठ बोला। और देखो पहले अनन्या मर गया और उसके बाद 3 घंटे बाद सफीरा भी मर गई। उसको नहीं मालूम था कि मेरा पति झूठ बोलने के कारण मर चुका है, उसने भी झूठ बोला और वो भी मर गई। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में, नए नियम में भी परमेश्वर इसी तरह से हमारे परमेश्वर काम करते हुए आए। जब भी कोई गलती करता है तो हमारे परमेश्वर वो बता देते कि मैं कितना भयानक परमेश्वर हूँ। वो कहते कि मेरा डर मानो, परमेश्वर का भय मानो, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन इंसान जो है वो समझ नहीं पा रहे। एक बार परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा लोगों को बोल आज और कल लोगों को शुद्ध कर और तीसरे दिन मैं लोगों को मिलने के लिए आने वाला हूँ। और मूसा ने सभी को बोल दिया, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तीसरे दिन परमेश्वर आने वाले। और तीसरे दिन सही में परमेश्वर आए और परमेश्वर आया तो सिनाई पहाड़ के ऊपर आए और पूरा पहाड़ जलने लग गया, पूरा पहाड़ कांपने लग गया और परमेश्वर की भारी आवाज़ अंदर से बाहर आई और उस आवाज़ के कारण सारे इसराइल लोग जो थे वो लोग डर गए। उनको परमेश्वर का इतना डर लगा कि मूसा के पास आकर बोलने लगे, मूसा मूसा हमको तो बहुत डर लगता है।
परमेश्वर को बोल हमारे साथ बात मत करके, आप बात करो परमेश्वर से और आप सुनकर आओ और हमें सुना देना, हम आपका कहा हुआ मानेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। बंद करो आवाज़ बोल के। मूसा ने बोला डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 20:18-19। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। देखो इन लोगों को डर लग गया कि हम मर जाएंगे, तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना। देखो मूसा ने क्या बोला, डरो मत। देखो मूसा ने सब बोला डरो मत, फिर बोला कि परमेश्वर इसलिए आए हैं कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम परमेश्वर से डरो। पहले तो बोल रहे मूसा डरो मत, और दूसरी बार क्या बोल रहे, डरो, परमेश्वर इसलिए आए कि तुम उनसे डरो। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहना। और देखो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते। एक और परमेश्वर आए हुए उस पहाड़ के ऊपर, चारों ओर आग लगी है, पहाड़ पूरा कांप रहा है, और परमेश्वर की आवाज़ जब बाहर आती है तो सारे इज़राइल प्रजा डर जाती है, सारे लोग कांपने लग गए कि परमेश्वर की आवाज़ बहुत भारी लग रही है। और लोग मूसा को ऐसा बोल रहे कि मूसा हमें नहीं सुनाई देता, हमें डर लगता है। तो मूसा बोलते हैं डरने वाली बात कौन सी है, मत डरो। देखो हमने कुछ वचन देखे, हारून उनके दोनों बेटे मर गए, मूसा ने हारून को भी बोल दिया कि देख दुखी मत होना, मूसा के भी पत्ते जैसे मूसा भी दुखी नहीं हुए। जहाँ जहाँ पर हमने देखा जो लकड़े इकट्ठा कर रहा था उसको भी परमेश्वर ने बोला नहीं मारे दो इसको, पत्थर मार मार कर मार दो। जब आकान की बात देखते तो आकान को भी परिवार के साथ उसको पत्थर मार मार कर मार दिए गए। तो परमेश्वर जहाँ जहाँ पर आते हैं दंड देने के लिए तो उनका दंड भारी होता था, तो ऐसे परमेश्वर से कौन नहीं डरेगा, सभी को उनका डर लगेगा और पूरी इज़राइल प्रजा उनकी आवाज़ सुनकर डर गई। लेकिन मूसा क्या बोलते, मत डरो। अब कौन ऐसा बोलेगा मत डरो जिसको खुद डर नहीं है। तो देखो पूरी इज़राइल प्रजा डर रही है तो मूसा को परमेश्वर का डर क्यों नहीं है। मूसा बिंदास है, मत डरो, परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर इसलिए आए ताकि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम उनका भय मानो, मत तुम उनसे डरो। तो देखो मूसा एक तो ये बोल रहे हैं कि मत डरो, फिर बोल रहे परमेश्वर इसलिए आए कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम उनका भय मानो। तो परमेश्वर से मूसा डरना सिखा रहे या नहीं डरना सिखा रहे, मूसा को डर नहीं लग रहा है और सारे इज़राइल प्रजा डर रही है। और मूसा ये भी कहते हैं मत डरो और मूसा ये भी कहते हैं कि उनसे डरो। सही में मूसा कहना क्या चाहते हैं, स्कूल में टीचर है और टीचर बहुत पावरफुल है और क्रोध वाला टीचर है, कड़क टीचर है, वो होमवर्क देता है और बच्चा अगर नहीं करता है तो उसको पीटता है। इसके कारण स्टूडेंटों को क्या लगेगा, डर लगेगा कि पीटेंगे इन क्या से, तो वो होमवर्क बोलेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, कर कर जाएगा। अभी कर कर जाएगा तो डरेगा, डरेगा कब, नहीं किया है तो। तो देखो टीचर का डर है भी है, इसलिए होमवर्क किया और होमवर्क किया तो अब डर नहीं है, लेकिन होमवर्क क्यों किया, डर के मार्क। तो मूसा यही समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर से ऐसे डरो कि उनकी आज्ञा मानना सीखो, और आज्ञा मानते हो फिर परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं, फिर परमेश्वर बहुत अच्छे है, परमेश्वर भले है। तो परमेश्वर सही में जब जब वहाँ जहाँ पर लोगों को दंड देने के लिए आए तो लोग डर गए और लोग मर भी गए और लोग मारे भी गए। ऐसे परमेश्वर को देख कर मूसा बिंदास है, मूसा को परमेश्वर का डर नहीं लग रहा है क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे हैं, तो मूसा को परमेश्वर का डर नहीं लग रहा है। और मूसा एक ही आज तक ऐसे इंसान हुए कि जिन्होंने परमेश्वर से बहुत बड़ी बात की। और एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन का ही पुस्तक उसका 33:33 उसका 18 वचन। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। देखो मूसा ने परमेश्वर से ऐसा कहा, परमेश्वर मुझे आपकी भलाई दिखाओ, मतलब मैं तो आपको देखना चाहता हूँ। देखो कोई भी आज तक इतनी हिम्मत नहीं कर सका जो परमेश्वर से बोला परमेश्वर मुझसे आपको देखना है। सभी लोग डरते थे
लेकिन मूसा क्या, परमेश्वर मुझे तो आपको देखना है। अरे परमेश्वर बोलते हैं यार मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो देखना है बस। तो परमेश्वर बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास एक जगह है, लेकिन मैं वहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरी पीठ देखने पाएगा, मेरा मुँह देख कर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुझे मेरी पीठ दिखाऊँगा। तो देखो मूसा में कितनी हिम्मत है, मूसा में परमेश्वर का कोई डर नहीं, वो परमेश्वर से डरते नहीं है। वो बिंदास से बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। जबकि और लोगों की हमने बात की, वो सारे लोग परमेश्वर से डरते थे, इसराइल प्रजा भी परमेश्वर से डरती थी। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि हमको तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुननी, मूसा आप सुनकर आओ और हम आपसे सुनेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ डायरेक्ट नहीं सुन सकते। जब हन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसको औलाद नहीं हो रही थी, और हन्ना हर बार हर साल जब चर्च में जाती थी वो प्रार्थना करती थी, लेकिन एक बार उसने गिड़ गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की, और वहाँ पर जो एली याजक थे उनको ऐसा कि शराब पी कर आई है, तो उसको डांटा, बोले ऐसा नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है। जब एली ने भी देखा कि पूरे मन से प्रार्थना कर रहे, तो बोला चलो इस बार औलाद हो जाएगी। लेकिन हन्ना ने प्रार्थना की क्या की थी मालूम, हन्ना ने ऐसा बोला, परमेश्वर अगर आप मुझे पुत्र दोगे मैं वापस आपको ही समर्पित कर दूँगा, वैसे भी औलाद है नहीं, और अगर है मैं वापस ही दे देती हूँ, लेकिन कम से कम मैं बांस तो नहीं रहूँगी, चाहे मेरे पास बेटा ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल तो सकती हूँ मेरा बेटा है चर्च में है, वहाँ पर सेवा कर रहा है, परमेश्वर मैं वापस आपको दे दूँगी। तो परमेश्वर उसकी सुन ली, परमेश्वर सुन ली, और शमूएल नाम का बेटा हुआ, और शमूएल नाम का बेटा हुआ, और बाइबल में ऐसा लिखा है दूध छुड़ाने के बाद हन्ना उसको लेकर आए एली के पास, बोले याद है उस दिन मैं रो रही थी, रोकर प्रार्थना कर रही थी, आपने भी मुझसे बोला था, बोले हाँ, बोले मैं वही स्त्री हूँ, और देखो ये आज मेरा बेटा आज दूध छुड़ाया हुआ है, और आज मैं उसे यहाँ पर समर्पित करना है। और देखो समर्पण करने के लिए हन्ना शमूएल को लेकर आई, और अर्पण मतलब समर्पण मतलब ऐसा नहीं है आजकल लोग समर्पण करते चर्च में, पास्टर साहब उसके सर के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर आपको समर्पित किया, और वापस माता पिता लेकर भी चले जाते हैं। ये समर्पण नहीं, सही समर्पण, लेकर आयु समर्पित किया, बस अब मैं अकेली जाऊंगी, लड़का यहीं पर रहेगा। अभी देखो एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा कितना बड़ा होगा, 2 साल 3 4 साल 5 साल, उससे बड़ा तो होगा नहीं। और शमूएल वहाँ पर अकेले सो रहे, 5 साल का बच्चा अकेला नहीं सोता, और ये लड़का अकेला वहाँ पर सो रहा है, और रात में परमेश्वर की आवाज़ आई, शमूएल शमूएल। अभी देखो एक क्रोध में आवाज़ नहीं है, क्रोध में होते जोरों से वो शमूएल उठ, लेकिन आवाज़ कैसी है, एक प्रेम से भरी हुई, तो प्रेम से कैसे उठाते, शमूएल शमूएल। और शमूएल उठ गए, देखो 4 5 साल का लड़का वो उठ जाता है, और उठकर वो एली के पास भागता है, और एली को बोलते कि आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे बुलाया, तो बोलते नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। अभी समझो 4 5 साल का लड़का अकेले सो रहा है, और गलती से रात को आवाज़ भी आ गई, सुन भी ली, वो तो कांपने लग जाएगा, आवाज़ आई कहाँ से। लेकिन शमूएल को डर नहीं है, अकेले सो रहे और डर भी नहीं है, वो एली के पास जाकर बोलते, और ऐसा 3 बार हुआ, तीनों बार भाग भाग कर गए, तीनों बार उठ गए, एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, वो तो बार बार मना कर, मैंने नहीं बुलाया मैंने नहीं बुलाया। जब तीसरी बार गए तो एली ने बोला अब चौथी बार अगर ऐसा हो जाए तो बोल देना कि हे यहोवा परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, और चौथी बार भी आवाज़ आई, और आवाज़ आई तो शमूएल ऐसा बोलते हाँ परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ। और देखो शमूएल को परमेश्वर दिखाई नहीं देते, मैं ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटा है, और उसके सामने सिर्फ आवाज़ आ रही है, और वो भी परमेश्वर की आवाज़ आ रही है, वो भी रात में आ रही है, अंधेरे में आ रही है, बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए है ना, लेकिन शमूएल को थोड़ा सा भी डर नहीं, क्यों, हन्ना ने परवरिश ऐसे की है, उसको शुरू से सिखाया, क्योंकि मालूम था कि इस बेटे को मुझे समर्पण करना है, तो किस तरह से इस बेटे को यहाँ तक पहुँचाया, शुरू से उसको सिखाया कि परमेश्वर की आवाज़ तेरे पास कभी भी आ सकती है, आधी रात में तुझे बुला सकते हैं, डरना मत, अंधेरे से डरना मत, वो परमेश्वर की आवाज़ होगी, मैं तुझे परमेश्वर को समर्पित करने के लिए जा रही हूँ, कितना सिखाया होगा। और आधी रात में अंधेरे में शमूएल आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर की बातें सुनते हैं, और उनको डर नहीं लग रहा है,
जबकि लोग परमेश्वर से डर रहे कि परमेश्वर बहुत भयानक है। अब्राहम वो तो अन्य जाति से थे, वो शुरू से विश्वासी नहीं थे। वो जब 75 साल के हुए तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम को दर्शन देकर अब्राहम को बोला कि अब्राहम इस देश को छोड़ दे, तेरे पिता के घर को छोड़ दे और जो देश मैं दिखाऊँ वहाँ पर चला जा और मैं तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूँगा। देखो आज तक अब्राहम को परमेश्वर का अनुभव नहीं है, ये पहली बार हुआ, लेकिन अब्राहम डरे नहीं। वो भी बिंदास थे, परमेश्वर की आवाज़ सुनी और बहुत खुश हो गए। जब लोगों को डर लग रहा है तो अब्राहम को डर क्यों नहीं लगा? अब्राहम 75 साल के, उनकी पत्नी 65 साल की, अभी ज़्यादा नहीं, इसहाक की शादी हुई थी तब इसहाक 40 साल के थे। समझ लो कि अब्राहम ने भी अगर 40 साल में शादी की है तो शादी के 35 साल तो हो गए, 35 साल से एक भी औलाद नहीं। वो जिसको भी मानते थे, जिसकी भी पूजा करते थे, बहुत बार बोला होगा ना कि मुझे औलाद दो, औलाद दो, किसी ने दिया नहीं। मुझे लगता है कितने देवी देवता किए होंगे क्या मालूम, हो सकता है धागा ताबीज करवाने के लिए भी गए हो सकता है काफ़ी दवाई करवाई हो, लेकिन 35 साल से कुछ नहीं हुआ। और 35 साल के बाद परमेश्वर की एक आवाज़ आएगी और परमेश्वर की एक आवाज़ आए और बोले कि मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूँगा। और यही बात से अब्राहम को पता चल गया कि ये परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है जो मेरी भलाई देखते हैं। परमेश्वर हमारी भलाई देखते हैं, वो सही में हमारा न्याय करना नहीं चाहते, वो हमें नरक में डालना नहीं चाहते, वो हमको दंड देना नहीं चाहते, वो एक डर बनाए रखना चाहते कि मेरे मुझसे डरो और मेरी आज्ञा को मानो, मैं तो तुम्हें स्वर्ग में लेना चाहता हूँ। वो हमारा नाश करना नहीं चाहते, लेकिन लोग उनसे उल्टा करते हैं ना, इसलिए डर लगता है। अभी अब्राहम को नहीं डर लगा, पहली बार परमेश्वर की आवाज़ सुनी, लेकिन अब्राहम बिल्कुल डरे नहीं और अब्राहम बिंदास है। और अब्राहम मतलब विश्वासी लोगों के पिता, हम सभी को पिता है तो हमें कैसा होना चाहिए? अगर हमारे पिता हमारे परमेश्वर से नहीं डर रहे तो हमें परमेश्वर से डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन लोगों को डर लगता है, लोगों को परमेश्वर से एक डर लगता है। सही में हमारे परमेश्वर से हमें कहीं पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर अच्छे हैं और मूसा परमेश्वर के सामने बिंदास रहते हैं और अब्राहम भी परमेश्वर के सामने बिंदास रहते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और जब मैं 8वीं कक्षा में आया तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ सिर्फ 7 तक था, 7 के बाद सिर्फ लेडीज़ पढ़ सकती थी। अभी मुझे स्कूल को बदलना था, अभी 8वीं में मैंने स्कूल बदल दी। स्कूल बदल दी तो हृदय में कुछ रहता है कि अनजान स्कूल है, टीचर सब अनजान है। तो मेरा मित्र वहाँ पर पढ़ता था, मैंने उसको पूछ लिया कि भाई साहब स्कूल कैसी है, और सबसे पहले स्कूल को छोड़ो टीचर के बारे में बता दो कौन सा टीचर कैसा है। तो मुझे दो टीचर के बारे में बताया, ये दो टीचर भयानक से, और ये दो टीचर भयानक से, उनसे संभाल कर रहना। बोले अगर तू क्लास में बैठा होगा और अगर तेरे से पेन गिर गई तू उठा भी नहीं सकता, बोले उठाएगा तो अभी तुझे थप्पड़ पड़ जाएगी। अब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो सुना कि ये दोनों का डर मेरे अंदर बैठ गया, ये दोनों टीचर को संभालना है। उसमें से एक टीचर जो था वो हमको संस्कृत भी सिखाते थे और पीटी कसरत भी करवाते थे, तो मेरा ध्यान पूरा बना रहता था उनमें, क्योंकि एक ही वो डर बना था अगर इनके विरोध में कुछ किया, अगर पेन भी गिर गई ये तो मारने वाले, तो मैं पूरा ध्यान लगा कर बैठता था। तो एक बार मेरी उनकी निगाह एक हो गई जब हम कसरत कर रहे थे, ये इधर आओ, मैं बाहर निकला। बोले क्या हुआ सर? बोले सारे कसरत आ रहे, मैं बोला आ रहे, चल पहले वाले बता, मैं पहले वाले बताए, चल चौथी वाली बता, चौथी वाले बताए, आठवीं वाले बता, वो भी बताए। बोले अभी हर शनिवार को पूरी स्कूल को तू ही करवाएगा। मेरे अंदर डर चला गया, मैंने बोला हाँ अच्छी बात है। मैं वहाँ पर 12वीं तक पढ़ा, 12वीं में नहीं था, लेकिन 11वीं तक 4 साल मैंने पूरे स्कूल को सिखाया। कहने का मतलब ये है कि जब उनका कहा हुआ करते फिर उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। जो दूसरे टीचर थे वो हमारा मैथ्स लेते थे तो मैं उनके सामने ही देखा करता था बस, और उनके सामने कभी भी ना कोई गड़बड़ी करनी, ना किसी से बातचीत करना, तो फिर कोई डर नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे क्यों मारेंगे, फोकट में तो वो भी नहीं मारने वाले। तो जब हम परमेश्वर का कहा हुआ करते हैं तो हमें फिर परमेश्वर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं।
डर तब लगता है कि जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ काम करते हैं, तब हमारा संबंध किसके साथ कैसा है उसके ऊपर डर वाला माहौल रहता है। अगर हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ अच्छा है तो हमें परमेश्वर का डर नहीं रहना चाहिए। मूसा का परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे थे तो मूसा परमेश्वर से नहीं डरते थे। शमूएल परमेश्वर से अच्छा संबंध रखते थे तो उनको भी डर नहीं लगता था। अब्राहम परमेश्वर का कहा हुआ करते थे, उनके साथ रिश्ता बनाए रखते थे तो उनको भी परमेश्वर का डर नहीं रहता था। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 23 वचन, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा, और मित्र कब कहा परमेश्वर ने अब्राहम को, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी कि अब्राहम 3 दिन यहाँ से चलकर जा, मोरिया देश में जा, वहाँ पर जो पहाड़ में तुझे दिखाऊँ उसके ऊपर तेरा इकलौता बेटा इसहाक उसकी बलि मुँह से दे दे। और अब्राहम ने थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई, वो सुबह जल्दी उठ गए, लकड़े खुद काटे और इसहाक को लेकर चले गए। वो जानते थे कि मेरे परमेश्वर मुझसे बलि नहीं लेने वाले, और अगर मैंने बलि दे भी दी तो वही इसहाक को वो जिंदा कर देने वाले, ये उनका पूरा विश्वास था। तो उन्होंने एक भी बार मना नहीं किया कि हाँ परमेश्वर चलो मैं तो आता हूँ देने के लिए, और उन्होंने जल्दबाजी की, वो जल्दी निकल गए। और जिस तरह से उन्होंने आज्ञा मानी, उस आज्ञा मानने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र बनाया, बोले तू तो मेरा मित्र है। क्यों मित्र? क्योंकि जो मालिक होता है ना अपने नौकर से कुछ छिपा कर रखता है, लेकिन बोले जो मित्र होता है वो मित्र को सारी बातें बताता है। अब प्रभु सिंह भी अपने चेलों को क्या बोला कि मैं तुम्हें अभी दास नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। तो देखो एक नौकर होता है ना उसको अपने मालिक से डर लगता है, लेकिन मित्र को मित्र से डर लग गया। तो प्रभु सिंह भी हमको क्या बना, मित्र बनाया। तो एक मित्र को दूसरे मित्र से डरने की जरूरत नहीं है। लुक 11:5-8, और उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। प्रभु ने बोला कि अगर आधी रात में अगर तेरा मित्र तेरे घर पर आए और दरवाज़ा खड़का कर तो उसे ऐसा कहे कि मेरे घर में अभी मेरा कोई रिश्तेदार आया, कोई गेस्ट आया और मेरे पास रोटी नहीं है, तू उठकर मुझे रोटी दे, तो बोले तेरा मन नहीं भी होगा तो तू देगा क्यों, तेरा मित्र है तो बोले तू उठकर देगा। मतलब मित्र किसको कहा जाता है कि जो आधी रात में भी काम आता है, उसको कुछ भी बोलो वो मना नहीं करता, उसको कहते हैं मित्र। और मित्र के घर हम आधी रात में भी जा सकते, उसका डर नहीं रहता है। हालेलुया, ध्यान से बात को समझना कि आज परमेश्वर हमको क्या कहने के लिए जा रहे हैं। तो सही में परमेश्वर से डरने वाली बात नहीं, लेकिन कब, जब हमारा रिश्ता उनके साथ एक मित्र के समान है। तो अगर परमेश्वर आधी रात को भी हमें कुछ काम बोले और हम आधी रात को भी वो काम कर बताए तो फिर हमें परमेश्वर से डरने की क्या बात है। अगर परमेश्वर बोले तेरा एक लौता बेटा तुम मुझे बलि दे दे, और इंसान निकल जाए बलि देने के लिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं लेने वाले मुझसे, उनको कभी बलि चाहिए नहीं, उन्होंने तो खुद हमारे लिए बलि दिए, वो हमारे पास बलि मांगे क्यों। अगर ये विश्वास के साथ आधी रात में भी अगर इंसान परमेश्वर का काम करे तो वो उसका मित्र है, और मित्र है तो मित्र को दूसरे मित्र से कभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने मूसा को एक ही बात बोली थी कि मूसा मेरे लोगों को इज़राइल से निकाल, और इज़राइल से निकालने के बाद तो उनको विश्राम के देश में पहुंचा दे। ये समझो कि परमेश्वर की ओर से मूसा को दिया हुआ एक काम था। ये काम शुरू होता था फिरौन के पास से इज़राइल लोगों को बाहर निकालने से, और एक काम खत्म होने वाला था विश्राम के देश में पहुंचाने तक।
अभी क्या हुआ कि जब मूसा इनको छुड़ाकर रास्ते में थे और मूसा जब परमेश्वर के पास उस पहाड़ के ऊपर आग में बैठकर वो परमेश्वर से आज्ञा सुन रहे थे, तब इज़राइल लोगों ने देखा कि 40 दिन हो गए मूसा दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने हारून को बोला कि हारून हमारे लिए कोई देवता बना, मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते। और हारून ने वहाँ पर सोने का बछड़ा बनाया और लोगों ने वहाँ पर मूर्ति पूजा की और लोगों ने वहाँ पर व्यभिचार किया और परमेश्वर का क्रोध जो है वो इज़राइल लोगों के ऊपर भड़क उठा। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा इन सबको तो मैं ख़त्म कर दूंगा और तेरे से एक नई कौम बनाऊंगा। अभी देखने जाओ तो मूसा के लिए कितनी अच्छी बात है कि इज़राइल के पुत्र ऐसा नहीं मूसा के पुत्र कहा जाएगा, मूसा की कौम गिनी जाएगी। आज इज़राइल देश ना होता, मूसा के नाम का देश होता थी। लेकिन मूसा को वही याद है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा क्या दी है, इनको निकालो और इनको ही पहुँचाओ, तो मेरी तो जिम्मेदारी इनको वहाँ तक पहुँचाने की। तो मूसा ने अपना नहीं देखा, मूसा ने परमेश्वर से बोला है परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा करो, इस तरह से इनको मारना नहीं है, अगर आप मारोगे तो लोग क्या बात करेंगे, नहीं नहीं परमेश्वर इनको क्षमा करो। और अगर इनको क्षमा नहीं कर सकते तो मूसा ने बोला कि मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से निकाल दो, मुझे भी नरक में डाल दो इनके साथ, लेकिन मैं इनको लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। देखो ये है मूसा का परमेश्वर के साथ संबंध। क्या एक इंसान परमेश्वर को समझा सकता है? नहीं, इंसान कभी परमेश्वर को नहीं समझा सकता। लेकिन परमेश्वर देखना चाहते थे कि मूसा को अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ और तेरे जरे कौम बनाऊँगा तो मूसा के अंदर क्या बात होती, उसको मेरा कहा हुआ काम याद है कि नहीं, परमेश्वर देखना चाहते थे। उसके कुछ वक्त के बाद एक बार फिर ऐसा हुआ कि ये लोग भेद लेने के लिए गए 12 लोग, वो 40 दिन के बाद लौटे और रोने लग गए और बोले परमेश्वर को यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए। उस वक्त भी परमेश्वर का क्रोध भड़का। इस बार फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा मैं तेरे जरिए एक नई कौम बनाऊंगा लेकिन इज़राइल लोगों को तो मैं ख़त्म कर दूँगा। उस बार भी मूसा ने परमेश्वर को समझाया कि परमेश्वर ऐसा नहीं करना है। सही में कोई इंसान परमेश्वर को समझा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर देखना चाहते कि मूसा को अपना काम याद है कि नहीं, कि मैंने उनको क्या काम दिया है। और तब जाकर इब्रानी में एक बात हमको पता चलती है, इब्रानी उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ दो। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की ना ही विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हाँ, मूसा विश्वास योग्य बने रहे। जो परमेश्वर उनको काम दिया था उस काम में एक नौकर की तरह, एक सेवक के समान मूसा जो है वो विश्वास योग्य बने रहे। यह मूसा, उन्होंने जो परमेश्वर ने काम दिया था उसको मरते दम तक पूरा करने का प्रयत्न किया। कभी भी मूसा बीच में से हटे नहीं और वहाँ से भाग नहीं निकले। उन्होंने अपना काम अपनी आयु तक वो पूरा जितना बोला था उतना पूरा करने का मूसा ने प्रयत्न किया। अगर मूसा विश्वास योग्य है तो फिर मूसा को परमेश्वर से डरने की क्या ज़रूरत है? मूसा विश्वास योग्य है तो उनको परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं। यहोशू और कालेब वो परमेश्वर की निगाह में जितनी भी आज्ञा थी वो सारी आज्ञा मानकर बैठे तो उनको भी परमेश्वर का डर नहीं था। अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य है, अगर हम परमेश्वर की सारी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर जो बोलते हैं वो सब कुछ हम करते हैं, तो हमें परमेश्वर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हमें परमेश्वर से नहीं डरना है, चाहे परमेश्वर कितने भी भयानक हो, लेकिन हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं। जो वचन आज हमने पढ़ा था 2 शमूएल उसका 24वां अध्याय, वहाँ पर जो वचन आज हमने पढ़ा और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो दाऊद थे, दाऊद ने एक गलती कर दी थी। दाऊद जब चारों ओर शांति में थे तो उन्होंने अपने सेनापति योआब को बुलाया, बोले इधर आ, बोले सारे इज़राइल लोगों की गिनती करो, बोले मैं जानना चाहता हूँ मैं कितने लोगों के ऊपर राजा हूँ। देखने जाओ तो एक घमंड जैसी बात हुई। दूसरी बात यह थी कि परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि अब्राहम को, कि अब्राहम अगर कोई इस समुंदर के बालों को गिन सके तो तेरी संतान को गिन सके, अगर कोई इस सितारे को गिन सके तो तेरी संतान को गिन सके। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि अब्राहम मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा, इतनी बड़ी कौम बनाऊंगा, इसको कोई नहीं गिन सकता। और दाऊद क्या बोलते, गिन कर लाओ। मतलब परमेश्वर बोला नहीं गिन सकते, और दाऊद बोलता है नहीं गिन कर बताओ। मैं दाऊद बोल सकते कि इतने लाख के ऊपर, इतने करोड़ के ऊपर मैं राजा हूँ, जबकि
सही गिनती कभी नहीं आने वाली थी, लेकिन जो आपने बोला भी दाऊद को कि दाऊद जितने भी है तेरे ही है, छोड़, बोले नहीं गिनती कर करो, और जो आप गिनती करने के लिए चले गए, लेकिन जो आपका मन नहीं मान रहा था तो जो आपने पूरी गिनती नहीं की। और तब दाऊद को भी अंदर से दिल से हुआ कि यार मैंने एक और गलती कर दी, ये मुझे नहीं करना था। तो दाऊद ने वहाँ से युवाब को भी रोक लिया, छोड़ो अभी गिनती नहीं करनी। लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा, जाकर दाऊद को जाकर पता बोले कि तूने गलती की, अब तीन दंड है, तीन दंड की बात मैं कर रहा हूँ, तीन में से एक को पसंद कर ले, तुझे क्या पसंद करना है और तुझे क्या चाहिए। बोले 7 साल अकाल पड़े, या तो फिर मरी फैल जाए, या तो तेरा शत्रु तेरे पीछे भागे। अभी ध्यान से समझना कि दाऊद ने तीनों में से एक भी बात को पसंद नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर को ऐसा बोला कि परमेश्वर मैं आपके हाथ में पड़ता हूँ, आपको जो करना है बस आप करो, लेकिन मैं अपनी ओर से तीन में से कोई भी बात मैं नहीं बताने वाला। और देखो पढ़ो तो उसका 14 वचन, दूसरा शमूएल उसका 24:14। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर की दया बड़ी है, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। अभी देखो परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, ये बोलना ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बहुत भयानक सी बात है। क्योंकि एक वचन और पढ़ लेते हैं जो है इब्रानी में, इब्रानी उसका 10:31 पढ़ दो। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, परमेश्वर के हाथों में पड़ना तो भयानक बात है। और दाऊद क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा गुनाह करने के बाद। अगर गुनाह करने के बाद परमेश्वर के हाथ में पड़े तो गए काम से। लेकिन दाऊद बिंदास से बोलते हैं, नहीं मैं तीन में से कुछ पसंद नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना मैं पसंद करूंगा। और जो वचन हमने पढ़ा था, दूसरा समूह 24:1 उसका 13 वचन पढ़ दो। सौगात ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूँ। अभी देखो तीन बातें बताई, सबसे पहले कि अकाल पड़े। अभी देखो अकाल में हमारे जैसे लोग हो तो सकते हैं हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं 6-8 महीने या साल का तो हमारे घर में भी मिल जाएगा, तो 7 साल में 1 साल तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो खुद राजा है, अगर उसके देश में अकाल भी पड़ता है तो राजा को कौन सी कमी होगी, वो तो किसी से मार कर अगर खत्म भी हो जाए वो तो किसी से मार कर छीन कर भी ले सकता है, राजा के पास तो ढेर सारे पैसे होते। तो देखो दाऊद ये नहीं बोल सकते थे, हाँ परमेश्वर कोई बात नहीं अकाल अकाल को चलने दो, और वो तो समझ लेते कि मैं तो अकाल में जिंदा ही रहने वाला हूँ, मुझे कौन सी कटी रहने वाली, मैं तो कहीं से भी अनाज लेकर आऊँगा, मेरे पास इतने पैसे पड़े या मेरे देश में जहाँ पर है वो पहले से ही मैं एडवांस में इकट्ठा कर कर रखूँगा। तो देखो दाऊद ये नहीं बोलते कि अकाल आने दो, अकाल में दाऊद बिंदा से जिंदा रह सकते थे। दूसरी बात, अगर दुश्मन आते तो दाऊद में इतनी शक्ति थी कि अकेले 10,000 को मार सकते थे, तो ये बात में भी डरने की जरूरत नहीं थी। उनकी सेना बड़ी थी, उनके योद्धा के बारे में बाइबल में पढ़ना, उनके जो 30 योद्धा थे इतने भयानक से योद्धा थे, जो गोफन चलाते थे, जो तलवार चलाते थे, जो भाला चलाते थे, ऐसे वैसे लोग नहीं थे। तो दाऊद ये भी बात बोल सकते हैं, परमेश्वर कोई बात नहीं, जिसको मारने के लिए भेजना है भेजो, आज तक मैं एक भी लड़ाई नहीं हारा, अब भी नहीं हारने वाला, ये भी तो दाऊद मांग सकते थे, लेकिन ये भी नहीं मांगा। तीसरी बात, मरी बीमारी फैल जाए तो दाऊद अपने घर में बैठे रहते, अपने आपको बचाए, सारे वैद्य हुक्मों को अपने पास रखते, लेकिन तीन में से एक भी बात दाऊद ने नहीं मांगी। लेकिन दाऊद ने क्या मांगा, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ता हूँ, परमेश्वर को जो चाहे वो करे, लेकिन मैं तो परमेश्वर के हाथ में ही मैं तो पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है। चाहे दाऊद अगर ऐसा सोचते जैसा मैंने सोचकर बताया कि अकाल आने दो, चाहे कितना भी अनाज भरकर रखते, हो सकता है उसमें कीड़े पड़ जाते, हो सकता है ख़त्म हो जाता और दाऊद नहीं खा पाते, चाहे दाऊद में कितनी भी शक्ति हो लेकिन हो सकता है वो लड़ ही ना पाते, वो मर जाते दुश्मन आते तक, और हो सकता है वो कितने भी वैद्य हकीम को रखे लेकिन कोई उनको नहीं बचा पाता, बीमारी में मर जाते हो। तो दाऊद ने क्या बोला, तीन में से मुझे तो कोई नहीं चाहिए, इनमें बचने की संभावना नहीं,
जबकि हम हमारी निगाह से देखते तो हमें ऐसा लगता है तीनों में दाऊद बच सकते हैं, लेकिन दाऊद ने क्या सोचा, नहीं मैं मेरे परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, मैं आपके हाथ में पड़ता हूँ, आपको जो करना है आप करो। तो दाऊद क्यों ऐसा बोलते, दाऊद का अपना एक संबंध परमेश्वर के साथ है, गलती तो हो गई उनसे लेकिन फिर भी अंदर पश्चाताप है, मन फिरा है, और उनको मालूम है कि मैं बीमारी में मर सकता हूँ, मैं दुश्मन के हाथों में मर सकता हूँ, मैं अकाल में मर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के हाथों में अगर पड़ गया तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर मुझे बचाएंगे। लेकिन परमेश्वर कब बचाएंगे, जब रिश्ता ऐसा होना चाहिए, और दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा है, इसलिए दाऊद को परमेश्वर का डर नहीं लगा, और बिंदास से उन्होंने बोल दिया मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, और देखो वो बच भी गए, वो बचाए भी गए, परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं होने दिया। डर तो उनको लगा, लेकिन अकाल का डर लगा, बीमारी का डर लगा, दुश्मन का डर लगा, लेकिन उनको परमेश्वर का डर नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कुछ रिश्ता था। अगर हम हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा बनाए रखें, उस अब्राहम की तरह, उस शमूएल की तरह, उस दाऊद की तरह, तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आखिरी दिन जब प्रभु यीशु आ रहे थे, उस बादलों के ऊपर अपने सिंहासन के ऊपर आ रहे थे, लोगों को डर लगा और लोग भागे और पहाड़ों को बोलने लगे हमारे ऊपर गिर जाओ। क्यों डर लग रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ नहीं किया था, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता नहीं था। अगर आज हमने जो भी गलती की है, जो भी गुनाह किया है, अगर आज दाऊद की तरह अगर परमेश्वर हमारे पास किसी को भेजे, और अगर हमारे पास आकर ऐसा बोले कि तीन बातें, चल तू पसंद कर, तू क्या करेगा, क्या आज हम में इतनी ताकत है कि हम परमेश्वर को ऐसा बोले कि परमेश्वर मैं आपके हाथ में पड़ना चाहता हूँ, क्या इतना भरोसा है हमारे रिश्ते के ऊपर कि हमारा ऐसा परमेश्वर के साथ ऐसा बना हुआ है कि हम अगर हम परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे तो हम बचाए जाएंगे। जो लकड़ा इकट्ठा कर रहा था वो नहीं बचाया पाया, आका नहीं बचाए गए, नादाब और अबीहू नहीं बचाए गए, क्योंकि उनका रिश्ता नहीं था। परमेश्वर ने हारून की ओर नहीं देखा, परमेश्वर ने मूसा की ओर नहीं देखा, लेकिन जो लकड़ा इकट्ठा कर रहा था वो मर गया। परमेश्वर ने अनन्या सफीरा को ये नहीं देखा कि इन लोगों ने बपतिस्मा लिया और ये लोग मंडली से जुड़ गए, नहीं देखा, उनका रिश्ता सही नहीं था। तो देखो सारे मर गए। परमेश्वर के हाथ में गिरना वही पसंद करेगा जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही बन गया, जो परमेश्वर का कहा हुआ करता है। अगर गलती से कोई गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है उसमें इतनी ताकत रहेगी कि वो परमेश्वर से बिना डरे बोलेगा कि हाँ परमेश्वर मैं आपके हाथों में पड़ता हूँ। आज हमें यह देखने की ज़रूरत है कि आज मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। दाऊद ने तो बोला मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, क्या आज हम में इतनी ताकत है कि हम बोल सकें कि हाँ मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। हालेलुया। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, और परमेश्वर की आवाज़ अभी भी हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम खुद की परीक्षा करें। ये वक्त है कि हम अपने आप से हम सवाल करें, मैं कहाँ पर हूँ, क्या आज मेरा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बना हुआ है कि नहीं, आज मैं परमेश्वर के साथ उनकी आज्ञाकारी करते हुए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। आज अपने आप को जांचो, आज अपने आप को परखो। Thank you.